ध्यान रखियो, खाने पीने का सामान ले लियो, मतलब अपना फोन चार्ज करके रखियो। मेरा क्या मतलब है, इसमें खाएगी तो तू भाई। मेरे खाने में इंडिया से ले आई हो। कुछ भी, खाने पीने का सामान रख लियो, पावर बैंक से अपना फोन चार्ज करती रहियो, नन्नू को टाइम से मिल जियो, नन्नू को टाइम से मिल जियो। और क्या बोलते हैं शाम जाते हुए बंदे को, हैव अ ग्रेट जर्नी, हैव अ ग्रेट जर्नी एंड स्टे हाइड्रेटेड। शानू व्लॉग की ओपनिंग कर दे। हाय, वेलकम बैक गाइस। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज गुड एंड कीपिंग सेफ। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं मान्या को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। और हमने सेम कपड़े पहने हैं गाइस। कल हमने झूठ बोल रही है, कल मैं ये कपड़े पहन के गई थी सुबह कोइंसिडेंटली, कॉपी नहीं किया बेचारी, बोली इंसान है, कोइंसिडेंटली हमने सेम कपड़े पहने और हम मॉल में ऐसे घूमे। फिर आज मैंने जानबूझ के पहन लिया, मैंने कहा ठीक है एयरपोर्ट पे सेम कपड़े पहन के इसको छोड़ने जाएंगे। थोड़ी देर में पूछता है इससे, एक ही जगह पे थोड़ी करेंगे सारी शूट, कि कैसे लग रहा है इसको। और गाइज मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि अरे सुबह 5 बजे उठना पड़ा मान्या को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। नहीं भाई, मैं तो रोज उठती हूँ, बिल्कुल भी मेरे को कुछ नया नहीं लग रहा है इसमें। चलो फिर चलते हैं इसको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके आते हैं। मान्या 1 महीने के लिए जा रही है इंडिया और मुझे बहुत दुख है कि हम नहीं जा रहे हैं। अबे लग रहा है मान्या देखो कितने महीनों के बाद इंडिया जा रही है। मैं यही बोल रहा था, मैंने कहा एक्साइटमेंट है किधर, ये दिख क्यों नहीं रही है। अभी 5 बजे है ना गाइस, अभी अभी तो उठा है बंदा, इतने जल्दी कहां से आ जाएगी। हां गाइस, बाकी आपको इसकी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया की अगर आपको इसकी जर्नी देखनी है तो फिर ये होपफुली व्लॉग बनाएगी, जब इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी वो आप देख लेना मेरा व्लॉग देखने के बाद। यू वेर चालाक ब्रो, बहुत चालाक चालाक ब्रो चालाक। फिलहाल हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। वैसे तो हम ऐसे भी जा सकते थे बट हमने सोचा कि पता चला रास्ते में गाड़ी बीच में रुक गई, फिर हम पेट्रोल डलवा लेते हैं। और ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे एडवांस चल रहे हैं, पता है 9:30 की फ्लाइट है और अभी 6 भी नहीं बचे हैं, तो मतलब ये पहुँच सकती है टाइम से। कौन सा वाला डलता है? बहुत ठंड है, सुबह सुबह तो इतनी ठंड होती है। इसी बात पे गाड़ी में बैठ। टैग नहीं उतारा उसने, प्यारा है पर ये वाला नेक पे लटकाइयो, निकाल दे पट दे बस, फट ना जाए, तुझे लेके जाना ही है। तो माने कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बताना चाहेंगे कि आप इतनी जल्दी 4 महीने बाद इंडिया क्यों जा रहे हैं? अभी तो 1 ही सेमेस्टर हुआ है। ऐसा तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है लेकिन मेरे को कुप्पू की याद आ रही थी इसलिए मैं जा रहा हूँ। कुप्पू इसका डॉगी है गाइस, इसके पास एक गोल्डन रिट्रीवर है जो कि बहुत प्यारा है। अगर आपको उसको देखना है तो मेरा जो फर्स्ट व्लॉग है ना इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया उसमें देखना, कुप्पू बहुत प्यारा है, इसको उसकी याद आ रही है। बट एक और रीजन ये भी है कि इसका बर्थडे है, मेरा बर्थडे आ रहा है और इसने बर्थडे के बहुत अच्छे अच्छे प्लान किए अपने दोस्तों के साथ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बट आई डोंट नो, मे बी तेको अपना बर्थडे इंडिया में मनाना था इसलिए। क्या तेरा रीजन सिर्फ कुप्पू है? ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं बोल नहीं लगी थी यार, घर वालों को देख के तो दुख होएगा कि कुप्पू के लिए आई है सिर्फ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, घर वालों की भी आ रही है। किसकी आ रही है ज्यादा यार, चाचू की, चाची की या नन्नू की? मैं ऐसे पार्शियलिटी नहीं करता, इसको किसी की नहीं आ रही, इसको बस कुप्पू के लिए जाना है। Oh God. अच्छा तू पीछे आ गया आइडिया में, अच्छा तू पीछे आ गया है। आगे बैठ रहा था भाई। मैं तो वीडियो के लिए आया था। एक जैसे दो लोग कैसे बैठे? चलो मैं ही बना लेता हूँ।
मैं चला लेता हूँ। ऑल्सो गाइज, मैंने ना एक चीज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रियलाइज करी है, इंडिया में जैसे हम सुबह 6 बजे उठ के जाते थे ना, मतलब जिम जाती थी मैं कभी कभी सुबह सुबह, अब तो एक्सरसाइज किए 6 महीने हो गए, बट जैसे इंडिया में सुबह 6 बजे उठते थे ना तो मुश्किल से 2 लोग 4 लोग या 6 लोग दिख जाते थे। यहाँ पे जब मैं ऐसे सुबह काम पे जाती हूँ मुझे लगता ही नहीं है कि 5 बजे हैं यार, इतने ज्यादा लोग होते हैं ना, इतना ज्यादा रश होता है, हमेशा बिजी होती है रोड्स। अभी भी यहाँ पे कितने सारे लोग जा रहे हैं, बट ऑनेस्टली आई एम क्यूरियस कि मेरी तो चलो जॉब है, मैं तो जाना ही पड़ेगा मुझे, पर ये लोग इतनी सुबह सुबह उठ के सारे कहाँ जा रहे हैं, सब जा रहे हैं क्या सुबह जॉब्स पे? क्या कहना चाहोगे तुम लोग, घूमो बोलती क्यों नहीं हो तुम? बस मॉम का बोला है हाँ जाते हैं क्या तुम्हें? Early to bed, early to rise, make a version, healthy, wealthy, grand wise. Oh my gosh! ये तो कभी अमल नहीं करेगी इसमें, फिलहाल तो नहीं करेगी। क्या तो है? जब मैं सुबह उठ के आ रही होती हूँ ये सोने जा रही होती है। देखो गाइस, हम पहुंच गए एयरपोर्ट, मान्या को उधर जाना है टर्मिनल 2 पे, और अभी हम सोच रहे हैं कि हम कहीं गाड़ी पार्क करके छोड़ देते हैं इसको, पर हमें समझ नहीं आ रहा गाड़ी इधर पार्क होगी किधर। मेरे तो उतरने की वेट ही नहीं करी इन लोगों ने, इतनी जल्दी बैग उतार लिए। तो पहली बार जा रही है ना अकेले फ्लाइट में, हाँ ट्रॉली ले लेते हैं यहाँ से। मान्या को हमने उसके लगेज के साथ उतार दिया, अभी हम इधर कार पार्क में आए हैं, कार पार्क करी हमने फिर जा रहे हैं उसके पास। इतनी मुश्किल से पार्किंग मिली है ना, इतनी मुश्किल से क्या बताऊं। इस लाइन में तो नहीं है, व्लॉग बना रही है। चीयर्स व्लॉग में, चीयर्स कर लो। मेरे को इतने वेट कराने तेरे को पता है हम लोग कितनी मुश्किल से पार्किंग ढूंढ के आए हैं। इधर आ जाओ, लोगों को परेशान कर, लिटरली हमें 2.5 घंटे बाद पार्किंग मिली है। मेरे को तो स्ट्रेस हो गया जिंदगी का। मुझे तो बहुत अलग सी फीलिंग आ रही है एयरपोर्ट पे आके, और मेरा तो जोर से मन कर रहा है कि मैं चली जाऊँ कहीं, जरूरी नहीं है मैं इंडिया जाऊँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ। एक तो वैसे ही बोर हो गया जिंदगी में, मेरे को भी जाना है कहीं। कहाँ जाना है? एयरपोर्ट पे आए हैं कहीं तो चलते हैं फ्लाइट बुक करके। चलो मालदीव, निकालो पैसे, क्या करोगे अकाउंटों में रख के? सो फैसिनेटिंग, मेरे को सब लोगों की लाइफ यहाँ पे इतनी फैसिनेटिंग लगती है, आई मीन द पायलट्स एंड द एयरलाइन क्रू, यू नो। अगर आपको नेक पिलो खरीदने हो तो आप यहाँ से खरीद सकते हो, बैग्स में आ रही है, बैग कितने मस्त मस्त है। पावर बैंक है मेरी पॉकेट में, आई डोंट वांट यू गाइस टू वंडर क्या लेके घूम रही है। गाइस देखो, मेरे को कितना सुंदर बैग है, दिखाना। तो गाइस मैं बाय कर देती हूं, इससे पहले ये चली जाए। ध्यान रखियो, खाने पीने का सामान ले लियो, मतलब अपना फोन चार्ज करके रखियो। वेट अ मिनट, मेरा क्या मतलब है इसमें, खाएगी तो तू भाई। मेरे खाने में क्या लगा, मुझे इंडिया से ले आई हो। कुछ भी, खाने पीने का सामान रख लियो, पावर बैंक से अपना फोन चार्ज करती रही हो, नन्नू को टाइम से मिल जियो, नन्नू को टाइम से मिल जियो, और क्या बोलते हैं शानू जाते हुए बंदे को, हैव अ ग्रेट जर्नी, हैव अ ग्रेट जर्नी एंड स्टे हाइड्रेटेड। या आई विल सी यू आफ्टर अ मंथ, बाय।
बाय। तू भी कर लेना मान्या को बाय। डिपार्चर क्यों हो रही है अभी तू? थोड़ी देर में हुई हो? हाँ मतलब जाने घूम तो लेते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं फ्लाइट की और हम देख रहे हैं कि मान्या का आ रहा है गो टू सिक्योरिटी। आ तो रहा है ब्रो जा। ओके बाय बाय। ध्यान से जाइयो। चलो गाइज मान्या तो अब चली गई, अब मैं और शानू रह गए हैं दूसरे के पास। और मैं दुखी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच्ची बोलना है। दुखी मैं भी हूँ फिलहाल तो दुखी है। इंडिया जाने को नहीं मिला, इंडिया जाने सिर्फ एक ही टिकट हुई। तीन होनी चाहिए थी। ये तो हमारे साथ वो है ना धोखा, क्योंकि आते हुए तो तीन टिकट हुई थी, जाते हुए एक ही क्यों हुई है। पर चलो फिर बैठते हैं, हम बड़े और स्ट्रॉन्ग है ना। हम चार महीने में नहीं जा सकते, बट फाइन। ये देखो गाइज ये बैग सबमिट करने वाला एरिया, कितना मस्त है यहाँ पे सब कुछ। मेरे को ऑस्ट्रेलिया सा ही लगता है, पर मुझे इंडिया की याद आती है, झूठ क्यों बोलना। आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया इज दैट एवरीथिंग इज सो वेल अरेंज्ड, एवरीथिंग इज सो प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट ऑस्ट्रेलिया। बाकी अगर किसी के बैग का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो ये देखो यहाँ पे आप वे कर सकते हो और फिर सामान निकाल सकते हो, जैसे वो बंदा कर रहा है। इतना सुंदर लग रहा है यार। 7:30 हो गए, सुबह ही हो गई, मतलब 5 बजे भी सुबह थी बट अभी ज्यादा हो गई है। भाई बहुत ही सुंदर और प्यारा व्यू है यार, बहुत प्यारा। मैं दिखाती हूँ, भाई हम जा रहे थे लिफ्ट की तरफ और ये कितनी सेक्सी गाड़ी है, पोर्श। हालांकि ये बहुत पुराना मॉडल है मेरे ख्याल से, पर मुझे सेक्सी लगी यार। मस्त लगा मेरे को तो मौसम, बारिश हो सकती है। हम सोच रहे हैं सिटी चले जाएं घूमना, वैसे भी अब जाके नींद तो आएगी नहीं, इससे अच्छा हम कहीं घूमने ही चले जाते हैं। और क्या करेंगे इतना सो के, कल संडे है, कल सो लेंगे। क्योंकि मैं परसों जब फैक्ट्री गई थी तब भी मैं 4 दिन सोई, सिर्फ 4 दिन बोल रही हूँ मैं, तब भी मैं सिर्फ 4 घंटे सोई। तो गाइज फाइनली हम आ गए घर और अब हमने डिसाइड किया कि हम नहीं सोएंगे, कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे सोने का, बिकॉज ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। तो हम किसी बहुत इंटरेस्टिंग जगह घूमने जाएंगे। और अगर आप लोगों को जानना है कि हम कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, इट कुड बी स्काईडेक या फिर मेलबर्न का सबसे बड़ा जू या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग जगह हो सकती है, तो अगर आपको उसका व्लॉग देखना है तो मेक श्योर यू वॉच माई नेक्स्ट व्लॉग, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मैं एक ही व्लॉग में सारी चीजें डाल दूँ एंड देन यू नो बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग और वो देखने में भी मजा नहीं आता। सो या मेक श्योर यू वॉच माई नेक्स्ट व्लॉग। आई एम गोना एंड दिस व्लॉग राइट हेयर, एंड इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल हेयर आई एम श्योर यू लाइक माई कॉन्टेंट। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। So yeah, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. I'm gonna see you all in my next video. Till then, take care. Lots and lots of love from Melbourne. Bye.